ये देखो जी, ये जहाँ जहाँ शोरा है उसी दीवार पे हाथ फेर के पटाई करेंगे। अब हम इस पे रेग मार लगाएंगे, इसकी पत्ती से पटाई करेंगे पहले अच्छी तरह। अब इस पे रेग मार लगाया जाएगा, 80 नंबर रेग मार पट्टे वाला। अब इस पे हम बुरश लगाएंगे, सुक्का बुरश 4 इंची। इसको अच्छी तरह सतह को ऊपर से लेकर नीचे तक सारा साफ करेंगे। अब ये अच्छी तरह साफ हो गया, अब इसको सूखा कपड़ा मारेंगे। सूखा कपड़े के मारने के बाद हम आपको ये जो केमिकल है 5 लीटर की पैकिंग, ये इसी कंपनी का लगाकर इससे शोरा सीलन कुछ भी नहीं आता है। एक कोट इसका पतला पतला जहाँ उतनी दूर में लगाएंगे जहाँ केमिकल की लोड है, पकड़ है, फिनिशिंग आएगी, शोरा नहीं आएगा दीवार में। हम आपको ये केमिकल मारने का तरीका बताएंगे, इस हिसाब से केमिकल मारेंगे। इसको अच्छी तरह कोट लगाकर केमिकल को और 3 दिनों के लिए छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं शोरा हटाने का मजबूत तरीका। अच्छी तरह इसकी जितनी भी दीवार की नसें हैं उनमें अच्छी तरह केमिकल की भराई करके दीवार पे अच्छी तरह सारी दीवार पे केमिकल मारने की लोड नहीं है। जहाँ ही ये अपनी सीलन शोरा है वहीं मारना पड़ता है, पपड़ी बनती है। इससे कम से कम बहुत काफ़ी समय तक शोरा रुक सकता है। ये शोरे का केमिकल है, इसको बोलते हैं शोरा वाटरप्रूफ वर्ल्ड केमिकल। इसको लगाकर बढ़िया तरीके से एक कोट लगेगा, दूसरा कोट 4 घंटे बाद लगेगा नेट घड़ी में टाइम देखकर। और अब हम इसको नीचे वाला हिस्सा है जो उस पे केमिकल मार रहे हैं, हाँ ये देखो जनाब, बुर्ज का हाथ उतना ही चलना चाहिए जितना दीवार को सतह को जरूरत होती है। सबसे बढ़िया तरीका है केमिकल दीवार पे केमिकल टिंट करने का। हम आपको फिर एक बार ये डिब्बा दिखा देते हैं केमिकल का। इसकी 5 लीटर की पैकिंग आती है और सबसे बढ़िया कंपनी का ब्रांड है डिब्बा, 5 लीटर का डिब्बा। इसको हाँ ये डिब्बा है 5 लीटर का,